नमस्कार बंधुओं, मैं कर्नल अजय CEO ajayastromoneyguru.com से आपसे मुखातिब होता हूँ आज 7 सितंबर 2021। अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके बेसीमित प्यार आशीर्वाद जो आप हमारे प्रोग्राम को देते हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ की, विशेष हलचल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, बाजार तेज चल रहे हैं या कमजोर, आपका मुनाफा बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन अच्छा लाभकारक हो सकता है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, आज आपके लिए दिन शुभ और मंगलकारी हो सकता है, बशर्ते 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 3, 7, 11 ये वायु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि दिन आपके लिए खा है, बड़े सौदों से बचिए, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, 3 से 4 बजे के बीच में बिल्कुल सावधान रहें। 4, 8, 12 वृश्चिक, कर्क और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, आज आपके लिए दिन संभवतः शुभ नहीं रह सकता है, सावधानी अपेक्षित है, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, बड़े सौदों से बचें, विशेषकर 4 से 5 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जींस में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? दोस्तों, आज सिंह राशि के अंदर सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत सहयोग बन रहा है, इसे अमावस्या का पर्व भी कहते हैं। आज कृषि उपज में धनिया यानी कोरिएंडर में तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। याद रखिएगा, पिछले 2-3 सप्ताह कोरिएंडर या धनिया के लिए बहुत लाभकारी नहीं रहे, बहुत लगातार नीचे की गिरावट से धनिया के यानी कोरिएंडर के व्यापारियों को बड़े परेशानी और का सबब देखने को मिला, लेकिन लगातार पिछले 2 से 3 दिन आप ध्यान दें, हम आपको धनिया में तेजी की सलाह दे रहे हैं और ज़बरदस्त मुनाफा धनिया यानी कोरिएंडर के व्यापारी हाजिर एवं वायदे बाजार में देख भी रहे हैं। आज कोरिएंडर पर नज़र रखिए, धनिया में मजबूती। जीरा भी अब तेजी की राह पकड़ सकता है, जीरे को हमने आपको तेजी की बात कही थी जो अक्षर सत्य साबित हुई, आज भी जीरे के अंदर संभावना तेजी की नज़र आ रही है। गवार सीड महत्वपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कारोबारी एवं किसानों की पहली पसंद है और गवार सीड इस समय चर्चा में है। याद रखिएगा, गवार सीड में हम तेजी की हम बात कर रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि गवार सीड में तेजी की संभावना बन रही है, आज भी पढ़ना है। दोस्तों याद रखिएगा, इस संभव तरीका साधर या टूल है जो आपको ग्रह स्थिति और ग्राउंड रिलेटिव और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर आने वाले कृषि जिन्सों में तेजी मंदी, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून के पर विशेष हलचल, इन सभी की सटीक जानकारी आपको उपलब्ध कराती है। भारत की RSMI विद्या विदेशी आक्रमणकारियों के वजह से पिछले 100 साल परेशानियों में रही, लेकिन लगातार हम इन रहस्यमय विद्याओं को सहेजने और इस पे अनुसंधान करने का पिछले लगभग 22 से 25 सालों से प्रयासरत हैं और इसका सकारात्मक लाइव एग्जाम्पल आपको रोज हम इस TV चैनल के ऊपर देते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का अद्भुत चमत्कार आप देखते रहिए। आज शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बनेगी? शेयर बाजार के अंदर आज उतार चढ़ाव रह सकता है, बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आज कुछ उतार चढ़ाव अधिक रह सकता है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी हो सकती है, लेकिन हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूती की ओर अग्रसर हो रही है, तो जो निवेशक है इस गिरावट को निचले स्तर पर खरीदने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ही समझे। नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती है? दोस्तों, कॉपर के अंदर शुरुआती घंटों के अंदर कुछ कमजोरी नजर आ सकती है, लेकिन कॉपर के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, इसके अंदर तेजी का रुख कभी भी बन सकता है, इस पर विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, हम आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसमें अपनी राय अवश्य दीजिए, लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं, आपके कमेंट्स हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं कि हम आपको बेहतरीन सर्विसेज और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी भारतीय विद्या है
इन इनमें इसको सहेजने का काम और मेहनत से करें। आप सभी को यही अनुरोध है, अपने इष्ट मित्रों को ये प्रोग्राम जरूर आप फॉरवर्ड करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।